जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और फंडामेंटल की इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के बारे में। देखिए, आज से आपकी कंप्यूटर की क्लास स्टार्ट हो रही है। इसमें सबसे पहले दिया हुआ है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के बारे में। अगर हम बात करें तो आज की बेसिकली क्लास है आपका कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन के बारे में। वैसे अगर हम देखें तो कंप्यूटर का प्रयोग हम कई सेक्टरों में करते हैं, लेकिन हम कंप्यूटर किसे बोल सकते हैं? व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर है क्या? या इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का परिचय। समझ में आ रहा है ना? तो जैसे कि यहाँ पे चार पार्ट्स आपको दिख पा रहे हैं, चारों पार्ट्स का अलग अलग क्या है, नाम भी है। जैसे कि इसको हम बोलते हैं सीपीयू। इसका क्या नाम है? सीपीयू नाम है। और ये हमारा होता है मॉनिटर। क्या होता है? मॉनिटर होता है। और ये हमारा होता है कीबोर्ड, और ये हमारा होता है माउस। ये चार प्रकार के पार्ट से मिलकर के हमारे कंप्यूटर का निर्माण होता है, जिसको हम कंप्यूटर बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? ये चार प्रकार के पार्ट से मिलकर के हमारे कंप्यूटर का निर्माण होता है, जिसको कि हम कंप्यूटर बोल सकते हैं। तो जैसे कि एक पर्टिकुलर अगर हम केवल मॉनिटर को कंप्यूटर बोले तो ऐसा संभव नहीं, या सीपीयू को केवल हम कंप्यूटर बोले तो भी संभव नहीं, या कीबोर्ड को केवल कंप्यूटर बोले तो भी संभव नहीं, या माउस को हम कंप्यूटर बोले तो भी संभव नहीं। एक कंप्यूटर के लिए जरूरी है कि आपके पास चारों पार्ट्स होना चाहिए, ये चारों आपके भाग होना चाहिए, तभी एक नाम कंप्यूटर हम दे सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो जैसे कि यहाँ पे जो मैंने स्ट्रक्चर आपको अभी दिखाया है, इसका नाम मैंने क्या दिया है? सीपीयू। और कभी भी सीपीयू का जो दूसरा नाम अगर आपसे पूछा जाए तो इसको हम प्रोसेसिंग डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? प्रोसेसिंग डिवाइस के नाम से जानते हैं, जो कि किसी भी डेटा को प्रोसेसिंग करने का काम करता है। प्रोसेसिंग डिवाइस के नाम से हम जानते हैं। समझ में आया? और सीपीयू में दो प्रकार के बटन पाए जाते हैं, एक आपका बड़ा सा बटन, इसको स्टार्ट बटन बोलते हैं, और एक इससे छोटा बटन, इसको रीस्टार्ट, ये रीस्टार्ट का बटन होता है, और ये स्टार्ट का बटन होता है। यही दो बटन आपके सीपीयू में पाए जाते हैं, एक आपका स्टार्ट बटन होता है और एक आपका रीस्टार्ट बटन होता है, और इसका नाम होता है प्रोसेसिंग डिवाइस। और सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो किसी भी डेटा को प्रोसेस करने का काम करता है। क्लियर हुआ? अब चलिए, अगर हम मॉनिटर के बारे में बात करें तो मॉनिटर को बोला जाता है आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर का नाम आउटपुट डिवाइस। ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने सीपीयू का नाम बताया आपको प्रोसेसिंग डिवाइस, और मैंने मॉनिटर का नाम बताया आउटपुट डिवाइस। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर इसको हम आउटपुट डिवाइस क्यों बोलते हैं? तो देखिए, किसी भी डेटा का रिजल्ट दिखाने का काम आपका मॉनिटर ही करता है। किसी भी डेटा का रिजल्ट दिखाने का काम कौन करता है? मॉनिटर करता है। इस आधार पे हम मॉनिटर को आउटपुट डिवाइस बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये आपका कीबोर्ड होता है, और कीबोर्ड में आपको पता भी है कि 84 से लेकर के 107 बटन पाए जाते हैं, और कीबोर्ड को इनपुट डिवाइस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? इनपुट डिवाइस के नाम से जाना जाता है। अब ऐसे में भी क्वेश्चन बनता है कि सर हम कीबोर्ड को इनपुट डिवाइस क्यों बोलते हैं? तो किसी भी डेटा को इनपुट कराने के लिए, और टेक्स्ट के रूप में अगर आपको डेटा का इनपुट अगर अपने कंप्यूटर में आपको कराना है, तो इसके लिए आपको कीबोर्ड का इस्तेमाल करना होता है। फॉर एग्जाम्पल की जैसे आप लैब में जाते हैं तो सबसे पहले सीपीयू में आप स्टार्ट बटन दबाते हैं, तो आपने सीपीयू में देखा होगा कि एक ब्लू कलर का लाइट जलता हुआ दिखाई देता है। क्या आपका सिस्टम प्रॉपर तरीके से काम करना स्टार्ट कर देता है? उसमें आपसे पासवर्ड मांगा जाता है, पासवर्ड डालने के लिए आप कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब तक आप जीआईटी पासवर्ड नहीं प्रेस करेंगे तब तक आपका सिस्टम चालू तो हो जाएगा लेकिन प्रॉपर कुछ काम नहीं करेगा। तो वो जो जीआईटी पासवर्ड आप डालने का काम कर रहे हैं, आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, किसका? कीबोर्ड। तो चूंकि कीबोर्ड से आप लिखने का काम करते हैं अपनी कंप्यूटर में, इसलिए टेक्स्ट के रूप में जो डेटा आप इनपुट करा रहे हैं, इसलिए कीबोर्ड को हम इनपुट डिवाइस नाम दे सकते हैं। कोई दिक्कत? तो इसको हम बोलते हैं कीबोर्ड, और कीबोर्ड का दूसरा नाम होता है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस इसको हम बोलते हैं।
अब चलिए, अब इसके बाद से आता है आपका माउस। क्या आता है? माउस। आपने देखा होगा हथेली साइज का ऐसे माउस रहता है, ठीक है ना। अब माउस को बोला जाता है पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस के नाम से। किस नाम से? पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस के नाम से इसको बोला जाता है। ये जो माउस आपका दिख रहा है, माउस को बोला जाता है पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। और एक और नाम होता है जिसको मैंने बोला माउस। अब ऐसे में भी क्वेश्चन बनता है कि सर माउस को पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस क्यों बोला जाता है? तो जैसे कि आपकी कंप्यूटर में एक आपको पॉइंटर दिखाई देता है, ये पॉइंटर जुड़ा हुआ है किससे? माउस से। अगर आप माउस को एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव कराएंगे तो आप ये पाएंगे कि आपका माउस का जो पॉइंटर है वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव कर रहा है। इस आधार पे हम माउस का दूसरा नाम दे देते हैं पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस, क्योंकि इसमें एक पॉइंटर भी जुड़ा होता है। इसको भी इनपुट डिवाइस बोला जाता है, इसको कीबोर्ड को, और माउस को भी पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस बोला जाता है। जब दोनों इनपुट डिवाइस है तो माउस को पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें पॉइंटर जुड़ा होता है, और कीबोर्ड को इनपुट डिवाइस इसलिए बोला जाता है क्योंकि हम कोई भी डेटा टेक्स्ट के रूप में इनपुट कराने का काम करते हैं। दोनों इनपुट डिवाइस है, लेकिन माउस से हम क्लिक करके अपना डेटा इनपुट कराते हैं, लेकिन वही कीबोर्ड से हम टाइप करके अपना डेटा इनपुट कराते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? अभी मैंने आपको केवल इंट्रोडक्शन कराया किसका, कंप्यूटर की। जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आप ये बता सकते हैं कि कंप्यूटर चार पार्ट से मिलकर के बनता है। एक हमारा होता है सीपीयू, जिसको प्रोसेसिंग डिवाइस बोला जाता है। एक हमारा होता है मॉनिटर, जिसको आउटपुट डिवाइस बोला जाता है। एक हमारा होता है माउस, जिसको पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस बोला जाता है। और एक हमारा होता है कीबोर्ड, जिसको इनपुट डिवाइस के नाम से जाना। यहां तक कोई दिक्कत? अब चलिए, अब हमारे सामने क्वेश्चन ये बनता है कि सर कंप्यूटर के बारे में आपने बताया, लेकिन कंप्यूटर का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं? आप देखिए, दैनिक जीवन में बहुत सारा इसकी रिक्वायरमेंट आती है। आप बैंक में जाएंगे वहां भी कंप्यूटर का इस्तेमाल मिलेगा, आप ऑफिस में चले जाएंगे वहां भी कंप्यूटर का इस्तेमाल मिलेगा, अपने इंस्टीट्यूट में आए वहां पर भी आपको कंप्यूटर देखने को मिला, किसी बड़े छोटे ऑफिस में भी चले जाएंगे वहां पर भी कंप्यूटर देखने को मिलता है। आज के समय में अगर देखा जाए तो बिजनेस में सबसे ज्यादा कंप्यूटर का ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है, काम को आसान करने के लिए। आखिर कंप्यूटर है क्या? तो जो हमारे कामों को आसान करेगा वही तो कंप्यूटर है। हमारे काम को आसान कर रहा है कंप्यूटर। आप बैंक में देखिए, बैंक में पहले कितने इंप्लाइयों की संख्या रहती थी, पूरा इंप्लाई इंप्लाई दिखाई देते थे, लेकिन आज क्या है, इंप्लाइयों की संख्या कम होती जा रही है और कंप्यूटर अपना काम तेजी से कर रहा है। समझ में आ रहा है ना? तो कंप्यूटर का प्रयोग तब किया जाता है जब अपनी कामों को आसान करना। और आज हर फील्ड में आप देखिए, हर फील्ड में कंप्यूटर का इस्तेमाल ज्यादा मात्रा में किया जा रहा है। आपकी भी रिक्वायरमेंट है कि हम कंप्यूटर पढ़कर के कुछ जॉब प्लेसमेंट में जाना चाहते हैं, आपकी कुछ रिक्वायरमेंट होगी, इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में चले जाइए आप, मेडिकल के क्षेत्रों में चले जाइए आप, हॉस्पिटल के क्षेत्रों में चले जाइए आप, रेलवे के क्षेत्र में चले जाइए आप, एयरपोर्ट्स में आप चले जाइए, ये हर सेक्टर में आज कंप्यूटर का प्रयोग ज्यादा मात्रा में हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप खुद बताइए, आपने भी बहुत जगहों पे घुमा होगा, लेकिन आज सबसे ज्यादा अगर रिक्वायरमेंट अगर देखा जाए तो हर फील्ड में कंप्यूटर का ज्यादा मात्रा में प्रयोग है। कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जिसमें हम कह दें कि सर इसमें फील्ड में कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं हो रहा, चाहे वो आपका एजुकेशन का बेस मतलब हो रहा हो, क्राइटेरिया हो, हॉस्पिटल का क्राइटेरिया हो, मेडिकल का क्राइटेरिया हो, बिजनेस का क्राइटेरिया हो, एयरपोर्ट्स का क्राइटेरिया हो, हर क्राइटेरिया में और हर क्षेत्र में, हर फील्ड में कंप्यूटर का ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल हो रहा है। तो वही आज की क्लास में आपको जानना है कि कंप्यूटर का प्रयोग हम लोग दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ करते हैं, या किस किस जगहों पे कंप्यूटर का इस्तेमाल ज्यादा मात्रा में किया जा रहा है। तो अभी तो मैंने आपको केवल इंट्रोडक्शन के बारे में बताया कि कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ कहाँ हो रहा है और कंप्यूटर किन चीजों से मिलकर के बना है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम है? चलिए, अगला इसमें अगर हम पॉइंट देखें तो अगला पॉइंट जो हमारे पास आता है वो है कंप्यूटर का वर्क, कंप्यूटर का कार्य, कंप्यूटर का प्रयोग, कि कंप्यूटर का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो देखिए, अगर हम इसमें बात करें, सबसे पहले यहाँ पे पहला हमारे पास प्रेजेंटेशन आता है कंप्यूटर इन स्कूल, कंप्यूटर का प्रयोग किसमें? स्कूलों में। आप खुद देखिए, आज स्कूलों में ज्यादा मात्रा में कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि बच्चों को जब स्टार्टिंग लेवल से कंप्यूटर के प्रति हम लेके जाएंगे तो बच्चों की टाइपिंग की स्पीड मजबूत होगी, बच्चों का फी रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट आ रही है, बच्चों का अटेंडेंस लेने के लिए कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट आ रही है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आजकल यहां तक व्यवस्था है कि अगर आप आपने देखा भी होगा कि
कि इंग्लिश मीडियम में आज तो यूपी बोर्ड में भी ऐसा आ चुका है कि बच्चों को प्रिंटेड आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जा रहा है विद्यालयों से। बच्चों ने कितना अपना रिस्पॉन्स हासिल किया उसको कंप्यूटराइज बच्चों को प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि बच्चे आसानी तरीके से अपना सेव करके रख सके। तो ये कंप्यूटर यहाँ तक लेकर के आया, बच्चा कितना फीस जमा किया है, बच्चे की प्रेजेंटिंग क्या है, उसकी अब्सेंटिंग क्या है, कितना दिन छुट्टी लिया हुआ है, ये पूरे रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए एक स्कूलों में कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट ज्यादा मात्रा में आ रही है। वैसे ही आप मान के चलिए कि जैसे कि बच्चों को आज क्या है, स्टार्टिंग लेवल में आपने देखा होगा कि जैसे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को या फिर बहुत सारे बच्चों को टाइपिंग के बारे में सिखाया जा रहा है, बच्चों को पेंटिंग बनाना इस कंप्यूटर पर सिखाया जा रहा है, वर्ड पे काम करना सिखाया जा रहा है। क्यों? तो रीजन यही है कि जब स्टार्टिंग लेवल से हम बच्चों को कंप्यूटर के एजुकेशन देंगे तो बच्चा आसानी तरीके से कंप्यूटर के क्षेत्र में आसानी तरीके से अपना प्रोफाइल हासिल करेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ पे दिख रहा है, स्कूलों में दिख रहा है। अब सेकेंड ऑप्शन के बारे में बात करें तो सेकेंड हमारे पास प्रेजेंटेशन आता है कंप्यूटर इन कॉलेज। अब देखिए कॉलेज भी तो कई प्रकार के होते हैं ना, जैसे कि आपके बीटी कॉलेज हो गए, आपके एमटेक कॉलेज हो गए, और आपके पॉलिटेक्निक कॉलेज हो गए, एमबीए का कॉलेज हो गया, डिग्री कॉलेज हो गया, पॉलिटेक्निक, ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस। इस कॉलेजों में भी ज्यादा मात्रा में कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाए। जैसे कि बड़े बड़े कॉलेजों में क्या होता है, मान के चलिए कि प्रोफेसर लोग पढ़ा करके बच्चों को छोड़े और बच्चे लोग जा करके उसको अपने कंप्यूटर पे प्रेजेंटेशन बनाने का काम करते हैं और वही प्रेजेंटेशन उनको अपने प्रोफेसर से दिखाना होता है। समझ में आ रहा है ना? तो आज कॉलेज के सेक्टर में भी अगर हम बात करें तो कंप्यूटर का प्रयोग कम नहीं है, ज्यादा मात्रा में देखने को मिल रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? चलिए, तो कंप्यूटर का प्रयोग कॉलेजों में भी ज्यादा मात्रा में मिल रहा है। अब देखिए आजकल तो कंप्यूटर का प्रयोग डिग्री कॉलेजों में भी किया जा रहा है कि नहीं है? छोटे मोटे कोर्स जो है आपके डिग्री कॉलेजों में भी सिखाया जा रहे हैं, जैसे कि आपका बीए बीएससी बीकॉम वगैरह कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि घंटी आपका लगातार नहीं बनता, बीच में 1-2 घंटे का गैपिंग करके बनता है। तो उस गैपिंग को क्लियर करने के लिए आप उतना टाइम आप घर नहीं आएंगे तो आप अपनी कंप्यूटर का एजुकेशन ग्रहण कर सकते हैं। ये डिग्री कॉलेजों में सुविधा आज के समय में मिल रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है ना? तो इन कार्यों को अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा आज कॉलेजों में जो है, आप देखिए कॉलेजों में आपने स्कॉलरशिप सबमिट किया, स्कॉलरशिप आपने फॉर्म भरा, वो कॉलेज में ले जा जमा करते हैं तो कॉलेज के सारे स्टाफ बैठ करके और वो फॉरवर्ड करने का काम करते हैं। तो कंप्यूटर का प्रयोग कॉलेजों में भी ज्यादा मात्रा में हो रहा है। अगला जो ऑप्शन आपका आता है वो है कंप्यूटर इन ऑफिस। देखिए किसी पार्टिकुलर ऑफिस की बात नहीं कहा गया, अपनी गायत्री इंस्टीट्यूट का भी एक ऑफिस हाँ है कि नहीं है? यहाँ तक कि मान के चलिए कि अगर आप रेलवे विभाग में जाते हैं तो रेलवे का भी एक ऑफिस बना हुआ है। आप अगर चले जाइए सीए के पास जो बहुत सारे बिजनेसमैन का जो जीएसटी भरने का काम करता है उसके पास से एक ऑफिस बना हुआ है, एक ब्रांच मैनेजर का भी एक ऑफिस है। क्या काम सारे ऑफिस में एक ही जैसा होता है? सबका अलग अलग होता है। बैंक वाला अलग काम करेगा अपना, सीए साहब अलग अपना काम करेंगे, बिजनेस का लेखा जोखा करेंगे, अपने इंस्टीट्यूट में आएंगे तो किन बच्चे का एडमिशन हुआ, किन बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ, किन बच्चों का अभी फी पेंडिंग है, कौन बच्चा रेगुलर पढ़ने आ रहा है, कौन बच्चा नहीं आ रहा है, किसको बैग बुक आईडी कार्ड मिला है, किसको नहीं मिला है, इसकी जानकारी करने के लिए मेरे ऑफिस में कंप्यूटर लगा रखा समझ है। समझ में आ रही कि नहीं? हर एक फील्ड में, हर एक ऑफिस में आज कंप्यूटर का प्रयोग ज्यादा मात्रा में किया जा रहा है। यहाँ तक कि ऑफिस में मान के चलिए कि 4 से 5 स्टाफ काम कर रहे हैं, कौन स्टाफ रेगुलर काम करने आ रहा है, उसकी अटेंडेंस परसेंटिंग वगैरह अब्सेंटिंग वगैरह लगाना, किसकी कितनी सैलरी मिल चुकी, इसकी रिक्वायरमेंट, हर तरीके से कंप्यूटर आज काम को आसान कर रहा है। समझ में आ रहा ना? तो इससे बिजनेसमैन के जो जीएसटी भरने का काम जो चार्टर अकाउंटेंट कहता है, आप सोचिए कि अगर एक बिजनेसमैन, जैसे कि एक चार्टर अकाउंटेंट अगर 12 से 13 लोगों बिजनेसमैनों का वो ठीका ले लिया जीएसटी भरने का, तो क्या एक सीए साहब अकेले उस काम को कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। तो इसके लिए वो कुछ इम्प्लाईयों को हायर करते हैं और एक खुद का एक ऑफिस बनाते हैं और उसी ऑफिस में बैठ करके अपना सारा काम आसानी तरीके से वो निपटा देते हैं। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर का प्रयोग ऑफिस में भी ज्यादा मात्रा में हो रहा है। कोई दिक्कत यहाँ था किसी को? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए अगला जो पॉइंट आपका आता है वो है कंप्यूटर इन बैंक। आप देखिए बैंकों में सबसे ज्यादा कंप्यूटर का इस्तेमाल हो, बैंक में अगर आप ऑनलाइन खाता खुलवाना चाहते हैं कंप्यूटर से ही हो रहा है,
अगर आपको स्टेटमेंट चाहिए बैंक में तो भी कंप्यूटराइज ही हो रहा। पहले क्या होता था, वही बैंक पासबुक प्रिंट करने के लिए आपको जैसे प्रिंटर की व्यवस्था नहीं थी, कंप्यूटराइज व्यवस्था नहीं थी, तो आपको कलम से लिखकर के दिया जाता था कि आपके अकाउंट में कितना पैसा बचा हुआ, याद है कि नहीं है। लेकिन आज वही बैंक है, केवल कंप्यूटर यूज होने की वजह से कंप्यूटराइज प्रिंट आउट आपको मिल जाता। 4 साल, 5 साल, 6 साल पहले का भी, अगर आपको ये जानना है कि हमारे अकाउंट में कब और कितने पैसे डेबिट हुए, कब और कितने पैसे क्रेडिट हुए, उसका भी स्टेटमेंट बैंक से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये देन है तो किसका? कंप्यूटर का देन। अगर कंप्यूटर नहीं होता तो क्या हमारे कामों को इतना सारा आसान कर पाता? नहीं हो पाता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आज कंप्यूटर का प्रयोग हर एक सेक्टर में हो रहा है, ज्यादा मात्रा में किया जा रहा है। रीजन, हमारी कामों को आसान कर रहे हैं। अगला क्या आता है, आज यहाँ पर भी आपको देखा गया है कि जैसे कि अगर आप मतलब अपनी अकाउंट में अगर आपने मोबाइल नंबर अपडेट करवाया है, तो अगर आपके अकाउंट से जो भी पैसा डेबिट या क्रेडिट होता है आपके मोबाइल पे मैसेज आता है, तो ये देन है तो कंप्यूटर का ही देन। अगला क्या आता है, तो अगला जो पॉइंट आपका दिया है, कंप्यूटर इन स्पेस रिसर्च। स्पेस रिसर्च का मतलब होता है अंतरिक्ष खोज। आप देखिए, अभी चंद्रयान का परीक्षण किया गया था, आपने देखा होगा, ठीक है ना? तो ये जो भी स्पेस रिसर्च होता है, चाहे जो भी अंतरिक्ष में खोजें की जाती हैं, वो सारे साइंटिस्ट लोग उसके बारे में सर्च करने के लिए, उसके बारे में एक्सपेरिमेंट करने के लिए, पूरा जानकारी करने के लिए, ये सारे लोग कंप्यूटर की मदद से जुड़ करके और अपने एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट कर पाते हैं, अपने रिसर्च को कंप्लीट कर पाते हैं, क्योंकि पूरे लोगों की मैनेजमेंट के साथ ही व्यवस्था आगे बढ़ती है, और पूरा इसके बारे में मीटिंग प्लानिंग वगैरह करके और तब जाकर के आगे जो है अपना मिशन कंप्लीट करने का काम करते हैं। तो इस आधार पे हम बोल सकते हैं कि कंप्यूटर का प्रयोग स्पेस रिसर्च में भी ज्यादा मात्रा में किया जा रहा है। चलिए अगला जो पॉइंट आता है, अगला पॉइंट आपका दिया है कंप्यूटर इन मेडिकल। आप देखिए, मेडिकल के बारे में पूछना ही नहीं है। आप बताइए, कोई भी जांच आपको करवाना हो, जैसे कि आपको सीटी स्कैनिंग क्यों ना करवाना है, सीटी स्कैन आप करवाने जाते हैं, अगर हेड में कोई प्रॉब्लम होती है तो सीटी स्कैन करवाते हैं, बोलिए। इसके साथ साथ एक्सरे भी करवाते हैं, इसके साथ साथ अल्ट्रासाउंड भी आप करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड भी आप करवाते हैं, और इसके साथ साथ ब्लड भी जांच करवाते हैं, बोलिए सही है कि गलत है? इसके साथ ही साथ कि मान के चले कि जैसे कि आपको जो है स्कैनिंग भी करवाना होता है, या और भी क्या आता है, इतने सारे जांच करवाने के लिए हम कहाँ जाते हैं? मेडिकल में जाते हैं, जाते हैं ना? जैसे कि आपका सीटी स्कैन हो गया, एक्सरे हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, ब्लड चेक हो गया, और भी ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं जिसकी जांच करवाने के लिए मेडिकल में जाते हैं। आपने सुना होगा इसके पहले भी जाते हो, मतलब इसके पहले भी जांच होता था, कंप्यूटराइज जांच इसके पहले भी होता था, लेकिन तत्काल में आपको रिपोर्ट नहीं मिल पाता था, बोलिए सही है कि गलत है? और इस वजह से प्रॉब्लम क्या होता था कि तत्काल में रिपोर्ट ना मिलने की वजह से पेशेंट हमारा डेड भी कर जाता था। लेकिन आज क्या है, अगर आप कंप्यूटराइज जांच करवाए हैं, सीटी स्कैन हुआ, एक्सरे हुआ, अल्ट्रासाउंड हुआ, ब्लड जांच हुआ, कोई भी जांच आप करवाए हैं, और आप कुछ समय रुकिए, 10 से 15 मिनट, मुश्किल से मुश्किल आधा घंटा आप टाइम रुकिए, और तत्काल आपको कंप्यूटराइज प्रिंट आउट आपको मिल जा रहा है, ताकि आप अपने अच्छे डॉक्टर से आप दिखा सके कि हमारे बॉडी के अंदर क्या प्रॉब्लम है, सही है कि गलत है? तो ये रिपोर्ट बनाने का काम कौन किया? कंप्यूटर की। अगर कंप्यूटर नहीं होता तो आप ये सोचिए कि इतना इजीली तरीके से जो आपको रिपोर्ट आज मिल जा रहा है, जिसके आधार पे डॉक्टर साहब लोग दवा लिख दे रहे हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं होता है। आप खुद देखिए, नॉर्मल कोई बीमारी आपकी हो जा रही है, आप जाइए डॉक्टर से जाँच करवाने, वो तो सीधे कहेगा कि पहले आप जाँच करवा के आइए, अपनी ब्लड की जाँच करवा के आइए। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि वो सब कमीशन पे बंधा हुआ है, उसके बारे में हम नहीं बोल सकते हैं। बस आप इतना समझिए, ये सारे की रिपोर्ट आपको निकालने के लिए, ये सारे जांच की रिपोर्ट निकालने के लिए आपको कंप्यूटर का ही इस्तेमाल करना होता है। इसके माध्यम से आसानी तरीके से रिपोर्ट आपके हाथ में चला आता है, उसके आधार पर हम अपना चेकअप करवाते हैं, जांच करवाते हैं, कोई दिक्कत? अब चलिए, इसके बाद से अगर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन देखा जाए तो वो हमारा आता है कंप्यूटर इन बिजनेस। देखिए, अगर हम बिजनेस के सेक्टर में बात करें तो आज के समय में बिजनेस के सेक्टर में कंप्यूटर का प्रयोग ज्यादा मात्रा में किया जा रहा है, ज्यादा मात्रा में किया जा रहा है। खुद देखिए, एक मॉल में आप चले जाइए सामान खरीदने के लिए, कितना सारा सामान पहले से रखा गया होता है मॉल में, हम काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, सही कि गलत है? लेकिन फिर भी कोई आइटम हमको पसंद आ जाता है,
और कैश काउंटर के पास लेकर के आते हैं तो बहुत ही कम समय में हमको छुट्टी भी हो जाती है। सही है कि गलत है? आप देखिए फेस्टिवल आता है, जैसे दीपावली फेस्टिवल आता है, अभी आपका होली का फेस्टिवल आ रहा है, नवरात्रि का फेस्टिवल आता है, ईद का फेस्टिवल आता है, ऐसे तमाम प्रकार के फेस्टिवल आते हैं जिसमें भीड़ बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, होती है कि नहीं होती है? लेकिन उस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर काफी होता है। बोलिए, आप ये कोई प्रोडक्ट आपने पसंद किया और वो प्रोडक्ट बस आपको यहां तक लेके आना है कस काउंटर पे, पैसा दीजिए और तत्काल आप घर लेके चले जाइए। सोचिए कितना काम को आसान किया हमारा कंप्यूटर ने। आप खुद बताइए, उतने सारे आइटमों की एंट्री अगर पहले से वो कंप्यूटर में कर करके नहीं रखता तो क्या इजीली तरीके से कस्टमर को छोड़ पाता? तो ये इसका इस्तेमाल किया, किसका? कंप्यूटर का। कंप्यूटर ने उसकी कामों को मदद की, जैसे कि एक बार कितना उन्होंने स्टॉक मंगवाया, उसकी परचेजिंग अपनी कंप्यूटर में कर लिया, उसके बाद से जैसे ही जैसे कस्टमर को सेल करते जाते हैं वो स्टॉक उनका खत्म होता चला जाता। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि बिजनेस का प्रयोग, कंप्यूटर का प्रयोग बिजनेस में भी ज्यादा मात्रा में हो रहा है। आप छोटे छोटे दुकानों में भी आप देख सकते हैं कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाए, क्यों? काम को आसान करने के लिए। अगर हमने जो है मान के चलिए अपने बिजनेस में 10 जनवरी को 25 पीस साबुन मैंने खरीद करके रखा था कस्टमर को सेल करने के लिए, कितने पीस? 25 पीस। तो अगर आज के समय में अगर हम बात करें तो आज आपका 19 फरवरी का डेट है, अब आज के टाइम में अगर हमारे स्टॉक में अगर 5 पीस साबुन बचा है तो इसकी रिकॉर्ड हम पाने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं और स्टॉक को आसानी तरीके से मेंटेन करने का हमारा हम कंप्यूटर काम कर लेंगे। आप देखिए मॉल में इतने सारे आइटमें होती हैं, क्या मालिक, मॉल का मालिक अगर उसको किसी चीज का ऑर्डर लगाना होता है क्या पूरे मॉल में घूम करके देखता है क्या कि कौन सा आइटम बेच दिया गया? बोलिए, ये कंप्यूटर से ही अपना रिकॉर्ड मांगता है अकाउंटेंट से कि जो मैंने सामान मंगवाया था उसमें से कितना पीस आपने सेल कर दिया, कितना शेष बचा हुआ, उसकी रिकॉर्ड आप निकाल करके दे दीजिए। तो उनका अकाउंटेंट आसानी तरीके से कंप्यूटराइज निकाल करके दे देता है और उसी के आधार पे जिस प्रोडक्ट की कमी होती है उसको ऑर्डर करवा करके मंगवा भी देते हैं, फिर प्रोडक्ट की एंट्री दिखा दिया जाता है, फिर उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, फिर जैसे जैसे सेल करते जाते कम होता जाता है, फिर एक रिकॉर्ड मांगते हैं और जिस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती है उसको मंगवा लेते हैं। किसने आसान किया काम को? कंप्यूटर। अगर कंप्यूटर नहीं होता तो बड़े से बड़े बिजनेस को भी आप आसानी तरीके से हैंडल नहीं कर पाते, ऑपरेट नहीं कर पाते, आपके सामने दिक्कत आती। इसलिए बिजनेस के क्षेत्र में ज्यादा मात्रा में कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप खुद देखिए, आप देख भी सकते हैं, छोटे छोटे आपके मेडिकल स्टोर हो गए, आपकी जो है किराना की दुकान हो गई या सोने चांदी की दुकान हो गई, आज हर क्षेत्रों में, आज छोटे छोटे दुकानों में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर की व्यवस्था हम करेंगे, कंप्यूटर से अगर हम अपने स्टॉक को मेंटेन करेंगे तो हमको रिपोर्ट निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आसानी तरीके से हम निकाल सकेंगे कि हमने कितना आइटम मंगवाया था, कितना मैंने सेल कर दिया, शेष कितना बचा हुआ है, या स्टॉक को मेंटेन करके रखने की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी, आसानी तरीके से हमारा कंप्यूटर मेंटेन करके रखेगा। हाँ, अकाउंटेंट हमारा मजबूत होना चाहिए, समझ में आ रहा है ना? तो इसके लिए कंप्यूटर का प्रयोग बिजनेस में ज्यादा मात्रा में किया जाए। अगला क्या आता है? तो अगला जो पॉइंट आपका दिया है कंप्यूटर इन इंजीनियरिंग, आज के समय में अगर देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे लोग इंजीनियर लोग हैं जो अपने दैनिक जीवन में कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। इंजीनियर भी कई प्रकार के होते हैं, एक मैकेनिकल इंजीनियर हो गए आपके, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गए आपके, हार्डवेयर इंजीनियर हो गए, होम डिजाइनर भी इंजीनियर आते हैं जो घर का नक्शा तैयार करने का काम करते हैं, वो लोग भी क्या करते हैं अपनी कंप्यूटराइज, वो क्या करते हैं डायरेक्शन बनाने का काम करते हैं, घर का नक्शा बनाने का काम करते हैं, और जब वो सेल करते हैं तो उसके बदले उनको पैसा भी मिलता है। तो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सेफ्टी इंजीनियर को आपने देखा होगा कि कौन सी इंप्लाई सीट बेल्ट लगाया कि नहीं लगाया है, या फिर मान के चलिए उन्होंने पूरी सिक्योरिटी के साथ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जांचने के लिए वो अपने कंप्यूटर से पूरी मैनेजमेंट आसानी तरीके से देखने का काम करते हैं। इस आधार पे हम बोल सकते हैं कि इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में भी कंप्यूटर का ज्यादा मात्रा में यूज हो रहा है। अगला क्या पॉइंट आता है? तो अगला जो पॉइंट आपका आता है वो है कंप्यूटर इन एयरपोर्ट्स। आप एयरपोर्ट्स में चले जाइए, एयरपोर्ट्स में भी कंप्यूटर का ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल हो रहा है। पासपोर्ट की वेरिफिकेशन करना और जो भी जहाज लैंडिंग होती है उसकी पूरी रिक्वायरमेंट, उसकी पूरी जानकारी, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन ये बैठे एयरपोर्ट्स पे हमारे इंप्लाई लेते हैं। किससे माध्यम से? तो कंप्यूटर के माध्यम से, समझ में आ रहा है ना? जैसे कि अगर आप पासपोर्ट लेकर के अगर आप एयरपोर्ट्स में जाते हैं तो पहले तो आपकी वेरिफिकेशन होती है कि पासपोर्ट आपका फर्जी है कि सही है,
इसकी रिक्वायरमेंट होती है, इसकी जांच होती है, जिसकी जांच कंप्यूटर के माध्यम से किया जाता है। समझ में आ रहा है ना? तो इस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर का प्रयोग एयरफोर्स में भी ज्यादा मात्रा में किया जा रहा है। अगला क्या पॉइंट आता है? तो अगला पॉइंट आता है कंप्यूटर इन रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम। आप देखिए आज के समय में तो मान के चलिए कि ऑनलाइन व्यवस्था हो चुका है, आप मोबाइल में फोन पे गूगल पे के माध्यम से आप टिकट निकाल रहे हैं। लेकिन सोचिए जो लोग उतना पढ़े लिखे नहीं है, सक्षम नहीं है, वो लोग आज भी टिकट निकालने के लिए काउंटर पे ही खड़े होते हैं, और वो जो टिकट निकालने का काम करता है कंप्यूटराइज ही टिकट निकालता है। तो इस आधार पे हम बोल सकते हैं कि कंप्यूटर का इस्तेमाल रेलवे में भी ज्यादा मात्रा में हो रहा है। आप देखिए अगर कहीं मतलब कि किसी अलग स्टेशन पे आप भटक जाते हैं और वहां से आपको रास्ता नहीं मिल पाता है, अगर आप इंक्वायरी देखना चाहते हैं तो वो भी इंक्वायरी आपको समझाने का जो काम करता है कंप्यूटर का ही इस्तेमाल करता है। कंप्यूटर पे ही बताता है कि जिस गाड़ी से आप जाने वाले उस गाड़ी कौन नंबर के प्लेटफॉर्म पे आएगी, कितने बजे आएगी, वो कंप्यूटर से ही बताने का काम करता है। वो जो समय सारणी बना होता है, टाइम टेबल जो बना होता है, तो कंप्यूटर का इस्तेमाल रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम में भी ज्यादा मात्रा में किया जाता है। अगला क्या आता है? तो अगला जो पॉइंट आपका आता है वो है कंप्यूटर इन हॉस्पिटल। अगर हम हॉस्पिटल के बारे में बात करें तो आज भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसी क्रिटिकल केसेस आ जाती हैं जिसको डॉक्टर लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं, उस केस को सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। आज ऐसे बहुत सारे डॉक्टर हैं, आपका इलाज तभी कर पाएंगे जब कंप्यूटर से रिसर्च करेंगे। समझ में आ रहा है ना? जैसे कोई क्रिटिकल ऐसे केसेज आ जाती हैं जिसके बारे में डॉक्टर साहब लोगों को उतना पता नहीं रहता है, तो उसकी अगर जांच उनको करना है या उसका इलाज उनको करना है तो पहले कंप्यूटर पे अपना रिसर्च करते हैं, और रिसर्च करने के बाद तब जाके आपको दवाइयां लिखने का काम करते हैं। और बड़े बड़े लेवल के ऐसे जो हमारे पेशेंट आते हैं जिनको बहुत सारा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाता है, उनकी जांच करने के लिए कंप्यूटर का ही इस्तेमाल किया जाता है, कंप्यूटराइज ही जांच किया जाता है। इस आधार पे हम बोल सकते हैं कि कंप्यूटर का इस्तेमाल हॉस्पिटल में भी ज्यादा मात्रा में देखने को मिल रहा है। अगला क्या पॉइंट आता है? तो अगला पॉइंट आता है कंप्यूटर इन डिफेंस, दूरस्थ के क्षेत्र में, लड़ाकू के क्षेत्र में भी इसका प्रयोग है। तो लास्ट में हमारे पास प्रेजेंटेशन आई आता है कि कंप्यूटर आर एवरीवेयर। कंप्यूटर आर एवरीवेयर का मतलब क्या हुआ? कंप्यूटर का प्रयोग प्रत्येक जगह, हर एक जगह कंप्यूटर का इस्तेमाल है। कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जिस सेक्टर में हम कह दें कि सर आपने ये छोड़ दिया, इसके बारे में आपने नहीं बताया। हर एक सेक्टर में आज कंप्यूटर का प्रयोग ज्यादा मात्रा में हो रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो इस आधार पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे पहला प्रेजेंटेशन हमारे पास आता है कि सर आपने बताया कि कंप्यूटर चार चीजों से मिलकर के बनता है, और आपने ये भी बताया कि कंप्यूटर का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर है क्या? कंप्यूटर है क्या? किसे हम कंप्यूटर बोल सकते हैं? तो देखिए यहाँ पे कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन आपके सामने दे रखा है। देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन परफॉर्म ए वैरायटी ऑफ ऑपरेशन इन अकॉर्डेंस विद ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। यानी कि हम इस आधार पे बोल सकते हैं कि कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो दिए गए निर्देशों के अनुसार अपना कार्य कर सकता है, ऑपरेशन कर सकता है। मतलब क्या है? हमारा कंप्यूटर हमारे हिसाब से चलता है, मतलब हम उसको जैसा इंस्ट्रक्शन देते हैं उसके हिसाब से हमारा कंप्यूटर काम करता है। अगर हम गलत इंस्ट्रक्शन देंगे तो गलत काम करेगा, सही इंस्ट्रक्शन देंगे तो सही काम करेगा, क्योंकि ये टोटली डिपेंडेड होता है कि यूजर के ऊपर। और यूजर है कौन? तो जो कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहा है वही यूजर है। अगर हम ऑपरेट कर रहे हैं तो हम यूजर हुए, आप ऑपरेट कर रहे हैं तो आप यूजर हुए, मतलब जो सिस्टम को चलाएगा वही कंप्यूटर का ऑपरेटर हो सकता है। समझ में आ रहा है ना? तो वो डिपेंडेड होता है हमारे और आपके ऊपर कि हम उसको कैसा इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, हम उसको कैसा सुझाव दे रहे हैं, उसी के हिसाब से हमारा कंप्यूटर काम करता है। और भी यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि कंप्यूटर इज एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक्स रॉ डाटा एज इनपुट फ्रॉम यूजर एंड प्रोसेस इज स्टार्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कॉल्ड प्रोग्राम एंड गिव द रिजल्ट आउटपुट एंड सेव आउटपुट फॉर द फ्यूचर यूज। मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम बात करें तो कंप्यूटर के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि कंप्यूटर एक एडवांस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। कंप्यूटर एक एडवांस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो रॉ डाटा को यूजर से इनपुट के रूप में एक्सेप्ट करता है और उसे निर्देशों के समूह के द्वारा प्रोसेस करके एक यूजफुल रिजल्ट में कन्वर्ट करता है। मतलब कि जैसे कि मान के चलिए हम अपनी कंप्यूटर में जो डेटा इनपुट करा रहे हैं, जो भी डेटा हम दे रहे हैं उसको हम रॉ डाटा बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मान के चलिए कि आपने सिस्टम पे गया और आपने सीपीयू को स्टार्ट कर दिया। आप इस सीपीयू को स्टार्ट करने के बाद आप जीआईटी पासवर्ड डालते हैं ना, तो वो जो जीआईटी पासवर्ड आप डाल रहे हैं वो आपका रॉ डेटा है, क्योंकि
क्योंकि जब तक आप वो जीआईटी पासवर्ड नहीं डालेंगे तब तक आपका सिस्टम प्रोसेस काम नहीं करेगा। तो जो आप जीआईटी पासवर्ड डालने का काम कर रहे हैं वही आपका रॉ मटेरियल, रॉ डाटा। और वही रॉ डाटा जब हम अपनी प्रेस करते हैं कीबोर्ड के माध्यम से तो वो इंफॉर्मेशन मिलता है सीपीयू को, और जब सीपीयू डेटा को प्रोसेसिंग करता है तो आपको मॉनिटर पे रिजल्ट दिखाने का काम करता है। तो वही बातें इसमें बताया जा रहा है, देखिए यही सारा ऑप्शन इसमें लिखा हुआ है। अगला क्या आता है, तो कह रहा है कि लैटिन वर्ड कंप्यूट मीनिंग टू कैलकुलेट। हमारा जो कंप्यूटर है वो लैटिन वर्ड के कंप्यूट नामक शब्द से बना हुआ है, और जिसका अर्थ होता है कैलकुलेट करना यानी कि गणना करना। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो आज कंप्यूटर का बहुत सारा सेक्टर बढ़ चुका है, लेकिन इसके पहले कंप्यूटर का इस्तेमाल केवल कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता था। आपने पढ़ा भी होगा कि कंप्यूटर का प्रयोग केवल पहले के समय में केवल कैलकुलेट करने के लिए किया जाता था और इसका दूसरा कोई काम नहीं था। और फिर क्या लिखा हुआ है, यूज फॉर अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल वर्क। कंप्यूटर का प्रयोग हम दो ही कार्यों के लिए करते हैं, अर्थमेटिकल और लॉजिकल। मतलब अर्थमेटिकल का मतलब होता है अंकगणितीय और लॉजिकल का मतलब होता है तार्किक। इन्हीं दो कार्यों के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। अगला क्या दिया है, तो यूज एज स्टोरेज डिवाइस। कंप्यूटर का प्रयोग हम डेटा को स्टोर करने के लिए भी करते हैं, करते ही नहीं करते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि आप लैब में गए और आपने कुछ प्रैक्टिकल किया, आपने कुछ डेटा बनाया और उस डेटा को अपने कंप्यूटर में आप सेव करके रखते हैं, तो इसकी रिक्वायरमेंट आती है कंप्यूटर की। अगला क्या दिया है, तो कंप्यूटर इज कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हमारा जो कंप्यूटर होता है वो दो प्रकार के कॉम्बिनेशन से मिलकर के बनता है, एक हमारा हार्डवेयर होता है दूसरा हमारा सॉफ्टवेयर होता है। तो ऐसे में भी क्वेश्चन बनते हैं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में अंतर क्या है। तो एक चीज समझिएगा, अगर जब भी हार्डवेयर के बारे में अगर पूछा जाए तो हार्डवेयर के बारे में आप बता सकते हैं कि कंप्यूटर के वे सभी पार्ट्स, वे सभी भाग जिन्हें हम छू सकते हैं और एक स्थान पर दूसरे स्थान पर लेके जा सकते हैं, ऐसे पार्ट्स को कंप्यूटर का हार्डवेयर नाम दिया जाता है। कंप्यूटर के वे सभी पार्ट्स जिसको हम छू सकते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जा सकते हैं, ऐसे पार्ट्स को कंप्यूटर हार्डवेयर दिया जाता है। तो ऐसे में क्या क्या आता है, आपका मॉनिटर आ जाएगा, ऐसे में क्या आएगा आपका माउस आ जाएगा, ऐसे में आपका सीपीयू आ जाएगा, ऐसे में प्रोजेक्टर आ जाएगा, ऐसे में मदरबोर्ड आ जाएगा, ऐसे में आपका कीबोर्ड आ जाएगा। ये सब एक प्रकार के हार्डवेयर के पार्ट होते हैं। क्या इसको हम छू सकते हैं, बोलिए, और एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जा सकते हैं। अब सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो सॉफ्टवेयर मोबाइलों में भी होता सॉफ्टवेयर उन प्रोग्रामों को कहा जाता है जिनको हम हार्डवेयर पर चलाते हैं। आपको सिस्टम फॉर्मेट करके दे दिया जाए और कहा जाए कि आप एमएस वर्ड पे काम करिए, कर पाएंगे? उसमें एमएस वर्ड को इंस्टॉल करना पड़ेगा, एमएस ऑफिस को इंस्टॉल करना पड़ेगा, कोरल ड्रा इंस्टॉल करना पड़ेगा, फोटोशॉप इंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी तो प्रॉपर काम कर पाएंगे यार। तो सॉफ्टवेयर के बारे में जब भी आपसे बोला जाए तो आप बता सकते हैं कि सॉफ्टवेयर उन प्रोग्रामों को कहा जाता है जिनको हम हार्डवेयर पर चलाते हैं, और बिना सॉफ्टवेयर का कंप्यूटर पे काम करना संभव नहीं है। बगैर सॉफ्टवेयर का हम सोचे कि कंप्यूटर पे काम कर पाए तो ऐसा संभव नहीं। हार्डवेयर में ही इंस्टॉल करते हैं और हार्डवेयर के ही माध्यम से अपने कंप्यूटर को ऑपरेट कर पाते हैं। कोई दिक्कत किसी को? आप चलिए अगला क्या दिया, अगला कह रहा है कि कंप्यूटर कन्वर्ट रॉ डाटा टू यूजफुल फैक्ट्स इंफॉर्मेशन। जो हमारा कंप्यूटर होता है वो डेटा को कन्वर्ट करने का काम करता है, और किसमें, टू यूजफुल फैक्ट्स में, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का काम करता है। जैसे कि मान के चलिए मैंने डेटा को इनपुट कराया, देन उसकी प्रोसेसिंग हुई, जब तक प्रोसेसिंग नहीं होगा तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिल सकता। अगला क्या दिया है, टेकिंग इनपुट। पहला पॉइंट आपका इनपुट होता है, आप अपने कंप्यूटर में डेटा को इनपुट कराते हैं और देन इसकी होती क्या, अरे जब आप डेटा को इनपुट कराएंगे तभी तो प्रोसेसिंग होगा, और जब प्रोसेसिंग हो जाएगा तभी तो आपको आउटपुट देने में रिजल्ट मिलेगा। ये तीसरा वर्क होता है, अपने कंप्यूटर में आउटपुट प्राप्त करना, ये कंप्यूटर का तीसरा वर्क होता है। पहला वर्क इनपुट, सेकेंड वर्क आपका प्रोसेसिंग, और थर्ड वर्क आपका क्या होता है, आउटपुट रिजल्ट को प्राप्त करना। आप देखिए यहाँ पे कंप्यूटर का फुल फॉर्म भी दिया हुआ, देखिए कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यहाँ पे बता रहा है कि सी के मतलब होता है कॉमनली, सामान्य रूप से, और ओ का मतलब होता है ऑपरेटिंग, चलाने योग्य, और एम का मतलब होता है मशीन, और पी का मतलब होता है पार्टिकुलर, विशेष रूप से, और यू का मतलब होता है यूज्ड फॉर, प्रयोग के लिए, और टी का मतलब होता है टेक्निकल, और ई का मतलब होता है एजुकेशन, और आर का मतलब होता है रिसर्च। अगर हम इस पूरे ऑप्शंस के बारे में बात करें तो ये सारे के सारे हमारे कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन है, और यहाँ पे कंप्यूटर का फुल फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है।
सी का मतलब कॉमनली होता है सामान्य रूप से, और ओ का मतलब होता है ऑपरेटिंग चलाने योग, और यम का मतलब होता है मशीन उपकरण, और पी का मतलब होता है पार्टिकुलर विशेष रूप से, और यम का मतलब सॉरी यू का मतलब होता है यूज्ड फॉर प्रयोग के लिए, और डी का मतलब होता है टेक्निकल तकनीक, और ई का मतलब होता है एजुकेशन यानी कि शिक्षा, और आर का मतलब होता है रिसर्च यानी कि शोध। अब देखिए इसी के आधार पे कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन भी तैयार किया जाता है। देखिए ऐसे हम बोल सकते हैं, कंप्यूटर इज कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन विच इज पार्टिकुलर यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च। ऐसे हम बोल सकते हैं कि कंप्यूटर सामान्य रूप से चलाने योग्य एक ऐसा उपकरण है जिसका प्रयोग विशेष रूप से तकनीकी शिक्षा एवं शोध के क्षेत्रों में किया जाता है। कोई दिक्कत? तो आज के लिए इतना ही, शेष हम लोग कल पढ़ा जाएगा, ठीक है? लेकिन आप लैब में जाएंगे तो क्या करना होगा मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है?